गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं सभी? यूपी पीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने के बाद जो है आपको लॉगिन करना पड़ता है। आप अपने मोबाइल या अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिलेक्ट योर गोल में जाना पड़ता है। यहाँ पे आपको गोल सिलेक्ट करना है यूपी पीसीएस यूपी ट्रिपल एससी, और उसके बाद आप बहुत सारी फ्री डेमो क्लासेस देख सकते हो। अनअकैडमी पे आने पे क्या क्या आपको एडवांटेज रहते हैं? अनअकैडमी में दो तरह की क्लास होती है, एक होती है स्पेशल क्लास और एक होती है प्लस की क्लास। स्पेशल क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। अभी आप जिस क्लास में आए हो ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, यानी इसके लिए कोई आपको फीस सबमिट नहीं करनी पड़ती। और यह क्लास जो होती है एक तरह से डेमो क्लास होती है, जिससे कि आप समझ सको कि कौन सा टीचर आपको कैसे पढ़ा रहा है, कौन कौन आपके फेवरेट टीचर बन चुके हैं, और अनअकैडमी का ऐप कैसे आपको चलाना है ये आपको पता चल जाए। जब आपको ये पता चल जाता है तो उसके बाद आपको प्लस में आना पड़ता है और वहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। यह सब्सक्रिप्शन 12 महीने का होता है, 24 महीने का होता है, और इसकी फीस जो है हाई स्कूल और इंटर की फीस से भी क्या है, कम फीस है अगर आप इसे कैलकुलेट करके देखें। यानी कि जब आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आप 12 महीने या 24 महीने तक यूपी पीसीएस की तैयारी कर सकते हो और टॉप बेस्ट एजुकेटर और बेस्ट इन्फ्लुएंसर की सहायता से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो अभी जो आप स्पेशल क्लास कर रहे हो वो केवल 10% है, असली 100% तो कहाँ पे, अनअकैडमी प्लस पर ही है। ठीक है ना, पीटी का रिजल्ट आ गया भाई। पीटी का ना मैं टीचर हूँ ना मुझे ये रिजल्ट सुनाई देता है। ठीक है पीके साहब, मैं केवल यूपी पीसीएस का टीचर हूँ और उसी का रिजल्ट और उसी के एग्जाम की बात करता हूँ। ठीक है, ट्रिपल एससी वाला टीचर मैं नहीं हूँ। अब यहाँ पे जो है अनअकैडमी प्लस पे आने पे जो है क्या फायदा मिलता है? हाँ भैया, यूपी ट्रिपल एससी से मैं कोसों दूर रहता हूँ। ठीक है, तो आप अभी गलत टीचर की क्लास में आ चुके हैं। यूपी पीसीएस की बात करो, ठीक है, उसके रिजल्ट की बात करो, उसके प्रीलिम्स की बात करो, तो वो मैं बात आपसे कर सकता हूँ। ट्रिपल एससी का मैं नहीं हूँ टीचर, मैं उसकी बात नहीं कर सकता। आप जो है, आप क्या है आपका अनअकैडमी पे आने के क्या क्या एडवांटेज होते हैं? तो पहला एडवांटेज है कि आपकी कोई भी क्लास छूटती नहीं है, कोई भी क्लास छूटती है तो आप उसका रिकॉर्डेड वर्जन देख सकते हो, वो अवेलेबल रहता है। आपके पास अपॉर्चुनिटी रहती है बेस्ट एजुकेटर और बेस्ट इन्फ्लुएंसर से पढ़ने की। आपका जो है एक्सेस रहता है सारे कोर्सेस का, एक ही बार आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है 12 या 24 महीने का, और वह रेफरल कोड के बाद आप किसी भी टीचर की कोई भी क्लास देख सकते हो। आपकी स्ट्रक्चर पेडागोजी होती है, यानी समय के संग आपका सिलेबस खत्म होता है, और हमने पूरी ईमानदारी से समय के साथ आपका यूपी पीसीएस 2024 का क्या कर 21 का प्रीलिम्स का सिलेबस खत्म कराया। और बहुत सारे बच्चे जिन्होंने अभी तक नहीं सुना, 132 क्वेश्चन आए हैं आउट ऑफ 150। 26 तारीख की स्पेशल क्लास में हमने शाम को 5 बजे इसकी चर्चा भी करी है। आप जाके पूरी ईमानदारी से उसको देखें, जिससे आपको पता चल जाएगा कि भैया यहाँ पे कुछ ऐसे भी टीचर हैं जो इतना अच्छा पेनिट्रेशन रखते हैं। और अगर कोई टीचर इतना अच्छा पेनिट्रेशन रख रहा है, ठीक है, ये मेरे ख्याल से पूरे उत्तर प्रदेश के पूरे भारत में अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। ठीक है, और मैंने आपको कह भी रखा है कि अगर कोई इस रिकॉर्ड को दिखा दे कि फलाने की क्लास में 132 से ज्यादा आए हैं, तो मैं पढ़ाना तक छोड़ दूंगा। ये मैंने चैलेंज दिया है आप लोगों को, ठीक है ना, खासकर स्पेशल क्लास वालों को जो मेरी क्लास में 2 या 3 सेकंड के लिए आते हैं और बोलते हैं कि अरे उनकी टफ क्लास है। टफ क्लास है तभी रिजल्ट दे रहे हैं, समझ में आया? टफ क्लास है तभी 2017 से लेकर 2020 तक अभी तक बच्चों का नाम पीडीएफ में लगाया है, कभी भी खाता जीरो नहीं हुआ है, और वही खाता पूरा अनअकैडमी लेके चल रही है। अर्थात अनअकैडमी से जितने भी अभी तक सिलेक्शन हुए हैं यूपी पीसीएस में, 100% वो एमकेएस के ही बच्चे हैं। इसको भी पूरी टॉर्च से, पूरी सावधानी से आप खोज के देखेंगे तो आपको यही सत्यता मिलेगी। समझ में आया? क्लियर? इसलिए मैं कहता हूं कि यूपी पीसीएस कठिन नहीं है। एक बार मन बना लो 365 दिन की तैयारी करने का, यह उन सभी एग्जामों से अच्छा है जिस एग्जाम के पीछे आप यूपी पीसीएस से भी ज्यादा मेहनत करते हो। ठीक है, आपको वो एग्जाम पसंद आते हैं जिसमें आपको क्लर्क बनाया जाए, आपको वो एग्जाम पसंद आते हैं जहाँ पे क्या हो, आप बड़े अफसर को सल्यूट मारो। आपको समझ में नहीं आता कि अगर आप एक अच्छी तरीके से तैयारी कर दोगे तो क्या बन सकते हो, उप जिलाधिकारी बन सकते हो और DYSP बन भी सकते हो। ठीक है, एक ही बार में लगातार 17 बच्चों को बनाया था, उसमें पहले अटेम्प्ट का भी बच्चा था जो DYSP बना था, और वो सब अनअकैडमी से ही बने हैं। ठीक है, और यही टीचर है जो आपके सामने अभी अपनी बातें कर रहा है। ठीक है, इवेंट्स होते हैं यहाँ पे, बहुत सारी वर्कशॉप होती हैं, बहुत सारे क्या कहते हैं स्ट्रेटेजी सेशन होते हैं,
मास्टर क्लासेस होती हैं, ठीक है ना, जिनकी सहायता से आप क्या करते हो, चीजों को अच्छी तरह समझते हो, आपके क्विज होते हैं, ऑल इंडिया रैंकिंग बनती है, पीडीएफ में आपको मटेरियल मिलता है, आप इसका प्रिंट आउट भी कर सकते हैं, आप इसको स्टोर भी कर सकते हो, और मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, हर चौथी क्लास डाउट सेशन होता है, जिससे आप पीछे की क्लास का सब कुछ समझ में आ जाए। तो एक स्ट्रक्चर रूप में जो आपकी रियल अनअकैडमी है वो है अनअकैडमी प्लस, ना कि अनअकैडमी की स्पेशल क्लास। और आप में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्पेशल क्लास में रह के ही समझते हैं कि हम अनअकैडमी पढ़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो। इनफैक्ट स्पेशल क्लास में 10% भी आपका काम पूरा हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। तो प्लीज प्लस में आने की सोचो, स्पेशल क्लास को डेमो क्लास के बद के उस पे आप इस एग्जाम को फाइट नहीं कर सकते, चाहे आप किसी भी कैटेगरी तैयारी कर रहे हो। अगर आप SSSC की तैयारी कर रहे हो तो SSSC के भी जो है दिग्गज टीचर प्लस में मिलेंगे आपको, UPPCS की तैयारी कर रहे हो तो उसके भी प्लस में मिलेंगे, RO ARO की तैयारी कर रहे हो तो उसके भी प्लस में मिलेंगे। आप खुद देखो ना, स्पेशल क्लास 200 से ज्यादा टीचर लेते हैं, लेकिन प्लस क्लास में आप हार्डली 22 है टीचर, पहले 50 थे, अब वो 22 पे रिड्यूस कर दिए गए। क्यों? क्योंकि एक सर्टेन लेवल चाहिए प्लस में पढ़ाने के लिए। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? और हम आपको लिए हमेशा उस लेवल को मैच कराने की बात करते हैं। उसके बाद भी आप स्पेशल क्लास में रहते हो तो आपकी ये खुद की क्या है, गलती है, और इस गलती को जल्दी से जल्दी सुधारिए, ठीक है। अगर हम सिलेक्शन नहीं दे रहे होते, अगर हम क्वेश्चन नहीं दे रहे होते अपने नोट से, तो हमें ये कहने का कोई हक नहीं था। लगातार हमने दिए हैं, 2018 से लेके 2021 तक का प्रीलिम्स हो गया। इसमें अगर आप हमारा क्या देख लोगे, पीछे का रिकॉर्ड देख लोगे, तो हर पेपर में आपको 130+ का एवरेज मिल रहा है आउट ऑफ 150, जो अपने आप में ये दिखा रहा है कि यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से प्लस में तैयारी कराई जा रही है। सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ तो ये है, ऐसा नहीं कि सारे मास्टरों का स्कोर जोड़ के बता रहा हूँ, ये मेरे अकेले का स्कोर है, ठीक है। प्रीलिम्स में मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, आपको इस बार भी पढ़ा रहा हूँ पिछले 3 साल से, ऐसी मेंस में भी सारी चीजें पढ़ाता हूँ, GS 1 भी, GS 2 भी, GS 3 भी, GS 4 भी, ठीक है ना। तो आप इस चीज को समझे, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लोगे तो 2 महीने का सब्सक्रिप्शन मुफ्त मिलेगा, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लोगे तो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन मुफ्त मिलेगा, यानी फीस और भी ज्यादा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यह 29 तारीख तक की ऑफर है, तो समय पर ले लें। और अगर आपको मेरे को अपना मेंटर बनाना है, मेरी गाइडेंस पढ़ना चाहते हो, तो रेफरल कोड आपका MKS Live रहना चाहिए, इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा भी, और क्लास आप कोई भी कर सकते हो। अगर आपको मेरे को अपना गाइड नहीं बनाना है तो कोई अपना एहसान नहीं करना है, MKS Live यूज नहीं करना है। सबने ध्यान से सुन लिया? ऐसा नहीं कि मुकेश सर आए और अपने रेफरल कोड की बात कर रहे हैं, वैसे तो मुझे रेफरल कोड की बात करनी नहीं चाहिए जब मैंने इतना अच्छा रिकॉर्ड यहाँ पे दे रहा हूँ तो, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को, सोते हुए लोगों को जगा रहा हूँ कि अगर आप वो मेरे से पढ़ना चाहें तो MKS Live, अगर आप मेरे से नहीं पढ़ना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं, आप MKS Live को यूज मत करो, फिर भी किसी ना किसी तरीके से प्लस में तो आ जाओ, अगर आपको MKS Live से बहुत ही ज्यादा नफरत है, ठीक है। लेकिन जो बच्चे MKS Live यूज नहीं कर रहे हैं, तो उतनी ही ईमानदारी से जब जब UPPCS का कोई एग्जाम होता है या जब जब UPPCS का रिजल्ट आता है, तो 2 दिन बाद जो मैं क्लास लेके आऊंगा कि मेरी क्लास से कितने क्वेश्चन आए, या मेरी क्लास से फाइनल कितने बच्चे इंटरव्यू लिख रहे हैं, या मेरी क्लास से फाइनल कितने बच्चे मेंस लिख रहे हैं, और एट लास्ट मेरी क्लास से फाइनल कितना सिलेक्शन हुआ, उसको जरूर देखने आ जाए करना, वो भी पूरी ईमानदारी से। तो आपको पता लगा कि अगर हमने MKS Live को नहीं चुना तो MKS Live ने ये सिलेक्शन भी दिया, और उसको फिर पूरी ईमानदारी से क्या करना, एक्सेप्ट करना कि कहीं ना कहीं हमने गलती करी है इनकी क्लासों को ना करके। समझ में आ गया? विजेता नाम की टेस्ट सीरीज चल रही है, जो बच्चे कहते हैं कि हमें यह भी फीस देने में दिक्कत हो रही है, तो आप जो है स्कॉलरशिप के माध्यम से अनअकैडमी प्लस में आ सकते हैं। कैसे करना है आपको, हर संडे को टेस्ट होता है, फुल लेंथ टेस्ट होता है, जैसा कि आपका एग्जाम में होता है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है, अगर उसमें आपकी रैंक 1 आती है तो आपकी 6 महीने की पूरी फीस माफ हो जाएगी, ठीक है। अगर आपकी रैंक 2 या 3 आती है तो 50% माफ हो जाएगी 6 महीने की, और अगर आपकी रैंक 4 से लेकर 25 तक आती है तो 25% आपकी फीस माफ हो जाएगी, ठीक है। यह प्रगति RO ARO वाले बच्चों के लिए चल रहा है, हाई कोर्ट वाला, और ये प्रगति RO ARO जो है आपका टेस्ट प्रैक्टिस हर संडे को चल रही है, ये संडे को है, ये सैटरडे को, तो अगर आप इससे रिलेटेड अभ्यर्थी हैं तो आप अपने अपने टेस्ट को समय पे दीजिए। अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, डेट इज विंड सिस्टम पार्ट 4।
अभी तक की हमने विंड सिस्टम की सीरीज में क्या करा था, हमने विंड के सबसे पहले टाइप देखे थे परमानेंट, ठीक है, सेकेंडरी जिसे सीजनल बोलते हैं, और टर्सरी। परमानेंट में हमने क्या देखा था बच्चों, एक क्विक रिविजन कर लो। परमानेंट में हमने देखा था आपका ट्रेड विंड, वेस्टर्ली और ईस्टर्ली, ठीक है। वैसे मैं जो है वो विंड वाला दोबारा बनाऊंगा नहीं तो, क्योंकि आप फिर इतना ज्यादा कोरिलेशन नहीं कर पाओगे। विंड को मैंने आपको बताया था तीन जो है कंपार्टमेंट में पढ़ना पड़ता है। पहला कंपार्टमेंट होता है परमानेंट विंड्स, ठीक है, इसको प्राइमरी विंड्स भी बोलते हैं, इसको प्रिवेलिंग विंड्स भी बोलते हैं, इसको प्लेनेटरी विंड्स भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरी होती है आपकी सेकेंडरी विंड, ठीक है, और इसको कहीं कहीं पे पीरियोडिक विंड के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा होता है आपका टर्सरी, ठीक है, और टर्सरी को आपका लोकल विंड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो हमने ये वाली कैटेगरी में हमने क्या पढ़ा था, पढ़ा भी था और बनाई भी थी, कौन कौन सी, ट्रेड विंड। सब बच्चे ट्रेड विंड बनाना सीख गए थे अपने हाथों से। हमने वेस्टर्ली बना के दिखाई थी आपको, आप सब सीख गए थे। हमने आपको जो है ईस्टर्ली सिखाई थी, आप सब सीख गए थे, ठीक है, ईस्टर्ली, ठीक है। अब सेकेंडरी में क्या आता है और टर्सरी में क्या आता है, ठीक है। सेकेंडरी में अगर हम बात करें, इसका मतलब है पीरियोडिक विंड, यानी कि इसमें भी दो तरीके के हैं। एक है सीजनल, यानी कि एक सीजन में जो हवा जिस दिशा में चल रही होगी, दूसरे सीजन में हवा क्या हो जाएगी, अपना रुख बदल देगी, यानी जहां पे चेंज इन डायरेक्शन होगा उसको हम सीजनल बोलेंगे। और चेंज इन डायरेक्शन का सबसे अच्छा एग्जांपल आपको क्या है, भारत में आने वाला मानसून। समझ में आया, मानसूनल एक विंड का ही फिनोमिना है। हम मानसून को जब पढ़ेंगे तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल, ये विंड का ही फिनोमिना है, इसी कारण क्या है हमारे यहाँ पे बारिश होती है। लेकिन आप ये भी तो देखो, मानसून जिस दिशा से आता है उसी की रिवर्स दिशा से उल्टा चला भी जाता है, चला जाता है ना, साउथ वेस्ट, साउथ जो है वेस्ट मानसून हमारे यहाँ एंट्री करता है, लेकिन यह है नॉर्थ वेस्ट से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। यानी सीजनल रिवर्सिबल ऑफ विंड हो रहा है, यानी मानसून का मतलब ही रिवर्सिबल ऑफ विंड है। सेम यही चीज जो मैंने लास्ट में बोली है ना, यह यूपीएससी ने एससीपीएससी पूछी थी कि मानसूनल विंड के बारे में सबसे सही सेंटेंस क्या होगा, तो उसका आंसर होगा रिवर्सिबल ऑफ विंड, मतलब जिन विंड्स में बदलाव हो। याद रखना, यहां लिखा नहीं है लेकिन मैंने मुंह से बोला है, कॉपी में लिख लो, पेपर में आएगा तो मैं क्लेम करूंगा, और फिर आप घूमते रह जाओगे कि कहां से है कहां से नहीं है, ठीक है ना। और जो नए बच्चे हैं, एक दो नए बच्चे दिख रहे हैं, 26 तारीख को शाम की क्लास हमने ली है, टाइटल होगा मोर देन 130 प्लस क्वेश्चन फ्रॉम मुकेश सर क्लास, ठीक है ना। और वो स्पेशल क्लास में ही मेरी प्रोफाइल में जाके देख लेना, सी ऑल, आप उसको देख सकते हो। वहां पे मैंने विथ सबूत दिखाया क्वेश्चन नंबर कौन सा, बुकलेट नंबर सी है वो, और उस क्वेश्चन को कहां से उठाया गया है, उस बैच का नाम और संभावित उस बैच की तारीख भी लिखी हुई है। और कहीं कहीं पर तो ये भी लिखा है किस फैक्ट को मैंने दो दो बार पढ़ा है, तीन तीन बार पढ़ा है, चार चार भी पढ़ा है, ठीक है ना। तो जो खुफिया तंत्र वाले बच्चे होते हैं, थोड़ा जाके वहां पे भी देखो। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको देखने के बाद तुरंत मेरी क्लास में आ जाओ, मैं ये कह रहा हूं तुम उसको देख लोगे ना तो तुम्हें खुद से भी पढ़ने का एक तरीका मिल जाएगा, क्योंकि उस पीडीएफ की स्टार्टिंग हुई है 5 टास्क से। अगर आप ईमानदार बच्चे हो ना, अगर आपको सही में फाइनेंशियल इशू है, तो आप उस क्लास के वो 5 टास्क को अपनी कॉपी में लिख लो ना, और सेम अपनी तरफ से जहां पे भी बैठे हो वहीं से खुद भी करने लग जाओ ना, तो भी तुम्हारा प्रीलिम्स कभी रुकेगा नहीं। समझ में, प्रीलिम्स छोड़ो, मेंस भी कभी नहीं रुकेगा। और उन्हीं 5 टास्कों को हम 2022 में भी अप्लाई करेंगे और 2023 में भी अप्लाई करेंगे, जब तक हमारी प्रिपरेशन रहेगी। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है। अगर आपको सही में मेरी क्लास से बहुत ही डरना है, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिक्स बाजी बहुत ज्यादा होती है, तो पॉलिटिक्स बाजी का एक रूल ये भी होता है कि सामने वाला अपोनेंट अगर बहुत ज्यादा तरीके से ग्रो कर रहा है, तो उसकी कुछ लाइफ स्टाइल को हमें क्या करना पड़ता है, समझना पड़ता है, उससे अडॉप्ट करना पड़ता है। तो तुम मेरे पहले पन्ने को ही अडॉप्ट कर लो, उससे क्या हो जाएगा, तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा मिल जाएगा। बाकी अगर क्वेश्चन देखने का तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो क्या, बच्चों क्या मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उससे अल्टीमेटली इस पूरे अनअकैडमी ग्रुप को ही फायदा होगा।
समझ में आया? पूरे अनअकैडमी ग्रुप को फायदा होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो जो उसकी पहली स्लाइड भी देखेगा ना और वो खुद से भी तैयारी करने लग गया तो उसका सिलेक्शन होगा। और हम लोग क्या चाहते हैं? हम यही तो चाहते हैं कि आप लोगों का सिलेक्शन हो, ठीक है ना। डरो मत, मैं वहां पे ये नहीं लूंगा कि ये मेरा बच्चा था, ठीक है। मैं बच्चे से पहले ही पूछ लेता हूँ, भैया तेरा नाम लूं कि नहीं लूं, ठीक है। तो उस राजनीति में ना फंस के आप उसका पहला पेज देख के भी आप खुद से तैयारी कर सकते हैं, ठीक। टर्सरी या लोकल विंड क्या है? टर्सरी या लोकल विंड में हम इस पूरी पृथ्वी पे अलग अलग जगह पे अलग अलग टोपोग्राफी है, ठीक है। और उस टोपोग्राफी के कारण वहां पे कुछ लोकल फिनोमिना ऐसे होते हैं जो पूरी दुनिया में केवल वहीं पे होते हैं। और वहां पे उन जो लोकल इलाके हैं या तो उनके नाम पे या उस लोकल फिनोमिना के नाम पे, वहां पे क्या है, उन विंड का नाम रखा गया जो केवल वहीं पाई जाएंगी। तो वो सारी कैटेगरी की आती है टर्सरी या लोकल विंड। जैसे कि लू, लू भारत में चलती कि नहीं चलती है? गर्मियों के टाइम पे लू चलती नहीं चलती है, ठीक है। तो ये हमारे देश का फिनोमिना है, ठीक। मिस्ट्रल हो गई, ठीक है, फोएम हो गई, बोरा हो गई, ये सारी विंड क्या है? टर्सरी विंड है। अभी हम धीरे धीरे इनके बारे में पढ़ेंगे तो डरने की बात नहीं है। अच्छा, पीरियोडिक विंड में अधूरा रह गया था, ये तो हो गई सीजनल, और दूसरी होती है पीरियोडिक। और पीरियोडिक में भी दो होती है, एक होती है लैंड एंड सी ब्रिज, बी लिखा है ब्रिज, और दूसरी होती है माउंटेन एंड वैली ब्रिज, ठीक है बच्चों। अभी हमने ये वाला पूरा क्या कर रखा है, कंपोनेंट खत्म कर रखा है। आज हम ये वाले कंपोनेंट को समझने की कोशिश करेंगे, कंसंट्रेशन हाई, ठीक है। जब तक मैं पानी पी रहा हूं तब तक तो आपको जो भी काम करना है कर लो, पानी पीते ही कमेंट बॉक्स ऑफ कर दूंगा और फिर हम कंसंट्रेशन पे रहेंगे, ठीक है। माउंटेन एंड वैली ब्रिज, तुम तो पुराने बच्चे हो, तुम्हें तो ऐसा पूछना नहीं चाहिए रेनू। यानी पिछली बार भी तुमने बहुत ही बेकार तरह की पढ़ाई करी थी, नए बच्चे को तो एक बार पूछना भी चाहिए, ठीक है। चलो अब मैं कमेंट ऑफ कर रहा हूँ। आप लोग कितना भी समझाओ, आप लोग क्या हो, बहुत ही बेकार तरीके से तैयारी करते हो, क्या पता कभी सुधार हो जाए। सुनने की जरूरत ही नहीं है मैडम, वहां पे लिखा हुआ है तो उसका मतलब यही है कि दो तरह की कौन सी होती हैं, तो सुनने की कोई जरूरत ही नहीं है उसमें। अपनी गलती को स्वीकार करना सीखो। शुरू करते हैं हम आपका सेकेंडरी या पीरियोडिक विंड। इसमें सीजनल में सबसे पहले लगा है मानसून, लेकिन अभी हम मानसून को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मानसून के लिए हमें बहुत बड़ा लेक्चर चाहिए, कम से कम 1.5 घंटे का। लेकिन याद रखना कि ये मानसून वाला सेकेंडरी विंड का प्रकार है और ये मैं आपको प्लस में ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। प्लस वालों को कुछ एडवांटेज भी रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो हम इसे पीरियोडिक वाला क्या करेंगे, पार्ट को खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमें दिख रहा है लैंड एंड सी ब्रिज, ठीक है। तो उसको हम समझते हैं, बहुत ही ज्यादा आसान है। आप कहोगे सर ये तो इतना आसान है, बस हम अगर अपनी कॉपी पे इसका रिवीजन करते रहे, रफ कॉपी पे ये फिनोमिना बनाते रहे हफ्ते में एक एक बार, तो ये हम कभी आजीवन नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। कोशिश करते हैं हम आपको समझाने की। आप सभी को बच्चों ये पता है कि अगर ये एक क्या है, लैंड मास, ठीक है, और यह एक क्या है आपका, वाटर मास है, ठीक है, क्लियर। तो मुझे बताओ कि जब सूरज की रोशनी पड़ेगी, दोनों में पड़ रही है, सूरज भगवान का किसी से भी कोई ज्यादा प्यार नहीं है, ठीक है। अब मुझे बताओ जल्दी गर्म कौन होगा? मैंने सुबह वाली क्लास में बताया था कि वाटर की स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा होती है, तो ये देरी से गर्म होगा, ठीक है, और जब ठंडा होने की बात होगी तो देरी से ही ठंडा होगा,
ठीक है। जबकि अगर हम लैंड मास की बात करें तो ये जल्दी गर्म होगा और जल्दी ही ठंडा होगा। अगर आपको शक हो रहा है तो आप राजस्थान में जाइए, रेत लैंड मास है कि नहीं है, गर्म होती है तो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, और रात को ठंडी होती है तो उतनी ही दुगनी गति से ठंडी हो जाती है, तो वहां पे एकदम ठिठुरने वाली ठंड पड़ती है। समझ में आया? क्लियर? लेकिन पानी एक ऐसी चीज है जो गर्म होने में टाइम लेगा, ठीक है, और जब टाइम लिया है तो वो ठंडा होने में भी टाइम लेगा। समझ में आया? क्लियर? आप कुछ मत करो, आज बाहर से एक पत्थर लेके आओ और उसको गैस पे उतने ही टाइम तक रखो जितने टाइम तक तुम उतने ही अमाउंट का पानी जो है क्या कर रहे हो, गैस पे तुम दोबारा रखोगे। पत्थर को उठा के चिमटे से अलग रख देना, ऐसी उतने ही टाइम उतने ही अमाउंट का पानी क्या करना आप अपने करंडे में करना गरम, और उसके बाद उसको भी नीचे रख देना, ठीक है। तो आपको पता चलेगा पत्थर गरम भी जल्दी हुआ होगा और ठंडा भी जल्दी हुआ होगा, पानी को उतना टेम्परेचर के लिए टाइम लगा होगा और पानी को ठंडा होने में भी ज्यादा टाइम लगा होगा। इसके लिए आपको थोड़ा लैब की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि घर में आप ऐसा टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाओगे, लेकिन जीवन के एक्सपीरियंस से तो कुछ समझ ही सकते हैं। अब इसकी बाल की खाल में नहीं जाना कि सर ऐसा नहीं होगा, तो यानी कि आप जो है मुझे पढ़ाने देना ही नहीं चाह रहे हो, आप जबरदस्ती कुतर्क करना चाह रहे हो, ठीक है ना। और इस एग्जाम में व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू की क्या है बहुत बड़ी भूमिका है। मैं तो आपको रीजन ही बता रहा हूँ, मैं रटवा थोड़ी रहा हूँ, मैं क्या बता रहा हूँ, इसका एकमात्र कारण है जिसका कहते हैं स्पेसिफिक हीट, हिंदी मीडियम वाले बोलते हैं इसको विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है ना। विशिष्ट ऊष्मा पानी की सबसे ज्यादा होती है, लिख लो, लिख लेना इसको, ठीक है। ये साइंस एंड टेक का भी क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो रहा है, और वो होती एक, यानी कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट कितनी, एक ही, यानी बाकी जितने भी आइटम है उनकी एक से कम ही होगी, ठीक है ना। और एक से कम क्या होता है आपको पता ही है, पॉइंटों में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना, 0.99 ऐसे करके कम कम होगी, क्योंकि जब सबसे ज्यादा ही किसकी है, पानी की, तो उससे ऊपर कोई नहीं है ना, ठीक है ना। क्लियर? अब आपको पता चल गया है कि स्थल वाला लैंड मास जल्दी क्या होगा, गर्म होगा, जल्दी ठंडा होगा, और पानी वाला क्या होगा, देर से गर्म होगा, देर से ठंडा होगा। चलो आप लोगों को मैं बीच पे ले चलता हूँ, समुद्र के पास, ठीक है। मान लेते हैं बच्चों, यह है आपका बॉम्बे का नाम तो पूरे भारत में हर एक बच्चे ने सुना होगा, और जुहू बीच का भी नाम सुना ही होगा अक्सर। मान लेते हैं ये जुहू बीच है, ठीक है, और यहाँ पे जो है आप में से कोई भी एक अपने आप को सोच ले कि ये क्या है, आपका बीच पे इंसान खड़ा है, इंसान पानी पे तो नहीं खड़ा रहता ना, मरना तो है नहीं ना उसे ना, तो वो कहाँ खड़ा रहता है, बीच पे। वो बात अलग है कि पानी तो है, जब ज्वार भाटा आता है तो थोड़ा बहुत आगे आता रहता है, वो चले जाता है लौट के, वो सबको पता है, ठीक है ना। यानी कि ये है आपका सी और ये है क्या आपकी लैंड, ठीक है। एक बार हम देखेंगे दिन में क्या हो रहा होगा, एक बार हम देखेंगे रात में क्या हो रहा है, ठीक है। जो मन में आए वो पहले देख लो, कोई रटने की चीज नहीं है, ठीक है। पहले शुरुआत दिन की से ही करते हैं तो दिन में हो रहा होगा, तो दिन में मेरे ख्याल से सूरज भगवान भी होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, सूरज भगवान जो है इसको भी गर्म कर रहे होंगे और इसको भी गर्म कर रहे होंगे। तो हमारा नियम क्या कहता है, लैंड मास जल्दी गर्म हो गया होगा कि सी, हमारा नियम कहता है लैंड मास। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे रिलेटिवली टेम्परेचर ज्यादा होगा और सी में रिलेटिवली टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि टेम्परेचर रिलेटिवली ही देखा जाता है, चाहे 30 के बाद 29 टेम्परेचर हो तो रिलेटिव देखने में 29 ठंडा है, 30 गर्म है। समझ में आया? क्लियर? ये नहीं कि सर वो तो दोनों ही गर्म है, फिर आप बेवकूफी कर रहे हो, रिलेटिव देखना पड़ता है, ठीक है ना। क्लियर? ठीक। अब टेम्परेचर अगर यहाँ पे ज्यादा है, लैंड मास जल्दी गर्म हो गया होगा सेम टाइम में, क्योंकि सूरज कब तक चला होगा भाई, सूरज हमारा जो है सुबह 6 बजे निकला होगा और शाम के 6-7 बजे अस्त हो जाता है, तो वो जो टाइम पीरियड है वो पृथ्वी को भी उतना मिला है और आपके समुद्र को भी उतना मिला है, लेकिन उस टाइम पीरियड में पृथ्वी जल्दी गर्म हो गई होगी, यानी कि पृथ्वी आपकी 12-1 बजे पूरी गर्म हो चुकी होगी, हो जाती है। हाँ पानी भी गर्म होगा, लेकिन पानी गर्म होगा 3-4 बजे तक, पृथ्वी पहले हो जाएगी, ठीक है ना। अब वैसे ये टाइम याद करने की जरूरत नहीं है, आप फिनोमिना को समझो,
तो मैं कह सकता हूं कि अगर लो प्रेशर बनना होगा, जहां टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां लो प्रेशर बनता है कि नहीं बनता है, यानी 12-1 बजे तक यहाँ पे ज्यादा लो प्रेशर बन गया होगा, और रिलेटिवली पानी तो अभी गर्म होना शुरू ही हुआ होगा, तो रिलेटिवली पानी में क्या होगा, हाई प्रेशर, क्योंकि पानी ठंडा है। ठीक है, फिजिक्स का नियम क्या कहता है, हवा कहां से चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, यानी कि आपकी हवा चलेगी समुद्र से स्थल की ओर। आप जाके देख लेना 12-1 बजे दोपहर में बीच में, आपको समुद्र से क्या है, अगर आपका समुद्र की तरफ फेस है तो समुद्र की तरफ आपके समुद्र से आपके फेस की तरफ हवा चल रही होगी, आप महसूस करना। क्या ये बात समझ में आई, यानी कि दिन के टाइम पे समुद्र से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा चल रही होगी, जो हवा जहां से चलती है, समझ में आया, क्लियर, वहीं से उसका नामकरण हो जाता है। ईस्टर्ली देखी थी, ईस्ट से चालू हुई थी, वेस्टर्ली देखी थी, वेस्ट से चालू हुई थी। ठीक है, तो ये हवा कहां से चालू हुई है, सी से, तो इसका नामकरण में भी क्या होगा, सी ब्रिज। कितना सरल है, सोचो क्या कुछ मारा मारी थी इसमें, और ये सूरज भगवान है तो ये क्या हो रहा है, दिन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तीन चार तरह के ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं, दिन में समुद्र में और स्थल में हवाओं का क्या क्रम होगा। पहला ऑप्शन, दिन के टाइम पे स्थल से समुद्र की तरफ हवा चलेंगी। दूसरा ऑप्शन, दिन के टाइम पे समुद्र से स्थल की तरफ हवा चली थी चलेंगी, या बोथ या नन। तो हमारा कितना आसान हो जाएगा, ये हम कहेंगे दिन के टाइम पे समुद्र से स्थल की तरफ चलती है, या चलो मान लो उन्होंने ऐसे बोल दिया, दिन के टाइम पे क्या चलता है, तो दिन के टाइम पे हमें नहीं पता, हम भूल गए क्या चलता था। तो हम एक बार डायग्राम बना के तुरंत ही डिसाइड कर सकते हैं कि दिन के टाइम पे पृथ्वी जल्दी गर्म हो गई तो लो प्रेशर, समुद्र हाई प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलेगा, और हमें नाम नहीं पता, लेकिन हमें ये तो पता है जो विंड जहां से चलती है वही नाम होगा, यानी समुद्र से चलती है, यानी समुद्र वाले नाम पे टिक लगाना है, यानी सी ब्रिज पे टिक लगाना है, सोचो। या इसको उल्टा कर दिया, सी ब्रिज कब चलती है, दिन में रात में दोनों टाइम, नन। अब सी ब्रिज है यानी कि इसका नाम सी के नाम पे, यानी समुद्र से कब चलेंगी, यानी जब समुद्र पे हाई प्रेशर होगा, और समुद्र पे हाई प्रेशर कब हो रहा होगा, दिन के टाइम पे हो रहा होगा। अब जिस बच्चे को ये पता ही नहीं है कि ऐसे करके सोचना है, तो वो क्या बोलेगा, दिन के टाइम में तो पानी को भी उबाल देगा, क्योंकि उसने तो अपनी घर में रसोई में उबलता हुआ पानी ही देखा है ना, लेकिन वो देख ही नहीं पा रहा कि मुझे पृथ्वी को भी गर्म करके देखना है। यहां पे इसलिए गलती होती है, इसलिए हमने कहीं से कहीं तक इस कॉन्सेप्ट में रट्टाफिकेशन नहीं करा है, सब कुछ समझा है नियम कानून के अंतर्गत। अब रात में क्या होता होगा, तो देखो रात हुई तो भैया आप चंद्रमा होंगे, मून होंगे, यानी कुछ गर्म तो कुछ कर नहीं रहे होंगे, यानी केवल अपना प्रकाश दे रहे होंगे, तो सेम चीज यहाँ पे समुद्र बना दो, और यहाँ पे बना दो आपका लैंड। ठीक है, ये सी है और ये क्या है, आपका लैंड है। ठीक है ना, क्लियर। अगर आपको लैंड लिखने में दिक्कत हो रही है तो आप चाहे तो बीच लिख दो, ठीक है, क्लियर। अब क्या हो रहा होगा रात में, रात में सूरज भगवान तो नहीं है, लेकिन सूरज भगवान ने जो काम किया है उसका असर है। क्या काम किया था उन्होंने, पृथ्वी को बहुत जल्दी गर्म करा था, लेकिन पानी देर देर तक गर्म हुआ था। ठीक है, यानी पानी को उतना टेम्परेचर लगने में टाइम लग गया होगा, 3-4 बजे तक वो टेम्परेचर आया होगा पानी में, जो पृथ्वी ने 12 बजे ही हासिल कर लिया था। तो अगर पानी की, मैंने वैसे आपको गुण बता ही रखा है, देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है, और वैसे भी सोचो जो 3 बजे तक उबाल उबाल छोड़े, 3 बजे तक थोड़ा बहुत टेम्परेचर जिसने लाया है तो वो छोड़ेगा भी उतने धीरे धीरे। ठीक है, यानी रात के टाइम पे पृथ्वी जल्दी ठंडी हो गई होगी, लेकिन समुद्र ठंडा होने की कल्पना कर रहा होगा, समझ में आया। लेकिन क्या हुआ, प्रेशर ग्रेडियंट तो बन गया ना, प्रेशर ग्रेडियंट मतलब प्रेशर का डिफरेंस, क्योंकि रात के टाइम पे क्या होगा, सूरज की किरणें जो अवशोषित करी थी वो वापस निकालेंगे ये लोग, तो पृथ्वी जल्दी गर्म है तो जल्दी ठंडी भी तो होगी। ठीक है, और ये देर से गर्म हुए थे तो देर से ठंडे भी होंगे, और देर से ठंडे का मतलब क्या है, इसका मतलब समझो, देर से ठंडे का मतलब एट ए टाइम रात में ये क्या है, पानी गर्म है और पृथ्वी ठंडी है, इसका अर्थ यही निकाला जाएगा। ठीक है,
अब गर्म ठंडी हमने रिलेटिव देखा, चाहे 1 डिग्री का अंतर हो गर्म ठंडा कहा जाएगा, यानी कि ये गर्म है तो यानी गर्म का मतलब क्या होता है लो प्रेशर, ठंडे का मतलब क्या होता है हाई प्रेशर। अब कोई आज कोई नया बच्चा मेरी क्लास कह रहा होगा तो बोलेगा सर मुझे समझाओ गर्म का मतलब लो प्रेशर ही क्यों होता है, तो मैं उससे कहूंगा बेटा ये चौथी क्लास है विंड की, हमने पहली क्लास में ये बहुत आसानी से समझा था, ठीक है। तो हर चीज समझने के लिए कुछ नियम कानून होते हैं, अगर उसको नहीं समझ में आएगा तो बोलेगा कि मैंने तो कमेंट करा था, मेरे कमेंट को इग्नोर करा उस मास्टर ने, ऐसा कैसे कर दिया, अनअकैडमी में ऐसा मास्टर कैसे है। तो अनअकैडमी में ऐसा मास्टर इसलिए है क्योंकि तो वो मास्टर बिलीव करता है बेसिक से समझाने में, वो रटाने में बिलीव नहीं करता है, और जो भी आप क्वेश्चन पूछोगे उसका आंसर मिल जाए ऐसा नहीं है, ठीक है। हर चीज की एक क्या होती है गरिमा होती है, और हर चीज को समझने के लिए टाइम देना पड़ता है। आप रेगुलर स्टूडेंट हो, आपको आपके सब क्वेश्चनों का डाउट का आंसर मिलेगा, ऐसा कोई बच्चा हो ही नहीं सकता जिसके मैंने डाउट क्लियर ना करो, ठीक है ना। तुम ब्रह्मांड से भी डाउट लेके आओगे ना मैं चुटकियों में सॉल्व कर दूंगा, अगर वो आपके एग्जाम के लिए जरूरी होगा तो, ठीक है। तो मैं वाला टीचर नहीं हूँ कि जो भी पूछ दिया आप फिर अरे चलो मैं कल की क्लास में बताता हूँ, फिर नेट से सर्च करके आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे चलता फिरता क्या है हम गूगल है, ठीक है ना। आपको कभी भी आप पढ़ाई से रिलेटेड व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू को फॉलो करते हुए इस पूरे यूपीपीसीएस में किसी भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, समझ में आया। केवल ज्योग्राफी की नहीं बात कर रहा, किसी भी सब्जेक्ट से, ऐसे ही मेंस में GS 1 2 3 4 से कोई सा भी क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हो, चेक भी करा सकते हो, ठीक है। इस अनुसार अपने आप को ऑलरेडी मैंने ट्रेन कर रखा है, ठीक है ना। लेकिन इसलिए ट्रेन नहीं करा है कि आप कोई क्वेश्चन पूछो और मैं तोते की तरह उसका आंसर बता दूं, ठीक है ना। मैं देखूंगा उस चीज को, समझूंगा जेनुइन बच्चा है कि नहीं है कि केवल पैरासूट बच्चा है, तो पैरासूट वाले यहाँ पे क्या करें लैंड ना करें, ठीक है ना। यहाँ पे लैंड वो करें जो क्या है सिलेक्शन लेने आए और ऊपर से यूपीपीसीएस की तैयारी करने है। ये थोड़ी कि पैट का रिजल्ट आ गया तो पैट की तरफ भाग रहे हो, अरे पैट सेट सब छूट जाएंगे आपके, एक बार अगर उप जिला अधिकारी बन गए ना, और उप जिला अधिकारी की प्रिपरेशन में और इस प्रिपरेशन में कोई अंतर नहीं है, अंतर बस यही है कि यहाँ पे आपको वन लाइनर पढ़ने बंद करने होंगे। तो आप सोचोगे सर हम वन लाइनर पढ़ने बंद कर दें तो हमारा काम कैसे चलेगा, हमारी इतनी बुद्धि नहीं है। अरे तुम्हें सिखाने वाला यहाँ बैठा है, तीसरा साल होने वाला है, सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कि कोई और सब्जेक्ट किसी और के भरोसे कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं सारी चीजों को समझा रहा हूँ तो जैसे तुम्हें वन लाइनर तुम्हारी आत्मा तुम्हें समझाती है कि इसको याद कर ले, तो यहाँ पे मैं भी तो समझा रहा हूँ, ठीक है। उससे तुम्हें कम मेहनत करनी पड़ेगी, वन लाइनर को तो तुम्हें 10 10 20 20 बार रटना पड़ता होगा, यहाँ पे तो एक बार समझ हो गई बस उसका 10 15 दिन में रिवाइज कर देना है, यह एग्जाम उससे पहले एग्जाम निकलेगा, मैं गारंटी से दे रहा हूँ। अब आप खुद देख लो ना, ये 6 लाख से ज्यादा बच्चों ने बैठा एग्जाम दिया था, सब छट गए कि नहीं छट गए, और सब देखो कितनी माइनर माइनर मिस्टेक पे छटे छटे कि नहीं छटे, 90 क्वेश्चन लाने में आफत आ गई है। तो सोचो कि इसमें तो भीड़ ऐसी छट जाती है, अगर आप सिंसियर बच्चे हो, अगर आपने क्वालिटी स्टडी करी है, तो आज की तारीख में इससे बढ़िया एग्जाम कोई मिल ही नहीं सकता। एक बार को लेखपाल का एग्जाम निकालने में, चपरासी का एग्जाम निकालने में आपको टाइम लग जाएगा, लेकिन यहाँ टाइम नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे क्या है पहली राउंड में सारी भीड़ गायब और दूसरे राउंड में वो सारी भीड़ गायब जिसने आंसर राइटिंग नहीं करी है, समझो चीज को। मेंस चाहे तो किसी ने इस दुनिया के सबसे अच्छे टीचर से भी पढ़ रखा हो, ठीक है ना, तो भी ये एग्जाम नहीं निकलेगा अगर उसने आंसर राइटिंग नहीं कर ली, समझ में आया। यानी कि दूसरे स्टेज को जीतना है तो हमें क्या करनी है आंसर राइटिंग। इंटरव्यू हो गया है 100 नंबर का, पहले था ये 200 नंबर का, तो अब जब 100 नंबर क्या हो गया तो भैया इसमें अब क्या है क्या है, एक तरीके से प्रेफरेंशियल जो चीजें होती थी वो चीजें हो गई है कम से कम, ठीक है। तो अब मुझे बताओ यानी रिजल्ट कहाँ से बनेगा, तुम्हारे मेन से बनेगा नहीं बनेगा, और ये सबको पता है, तो यार क्यों ना हम उस तरीके से तैयारी करें। अगर आप सजीव प्राणी हो ना और अगर सजीव प्राणी की तरह सोचते हो तो मेरे ख्याल से ये दुनिया का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है इस समय यूपीपीसीएस। सबसे पहली बात टाइम पे एग्जाम करा रहा है, और सबसे पहले दूसरी बात सबको पता है कि करना क्या है, लेकिन करने वाले पॉइंटों में है। अच्छी बात है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, अच्छी बात है कि 90% जो है क्या है यहाँ पे लोग
आपको क्या कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिस दिन उन्होंने गुमराह करना बंद कर दिया, ये एग्जाम बहुत टफ हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ लखनऊ इलाहाबाद वाले खूब करो गुमराह, उससे क्या हो रहा है हमारे बच्चे का टिकट कंफर्म हो रहा है। आप इस बात से सहमत हो कि नहीं हो सहमत? ठीक है, अभी कमेंट ऑन करूंगा तो पूछूंगा। अगर ईमानदारी वाले बच्चे तो बिल्कुल सहमत हो रहा है, लेकिन उसमें शर्त क्या है, आपको अपने सोर्स मिनिमाइज करने पड़ेंगे। लेकिन आप लालच में कर देते हो, एक टांग तुम्हारी मुकेश सर की क्लास में, दूसरी टांग जो है आपकी जो है पूरी दुनिया में है, और फिर क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। ठीक, तो एक बार में एक नदी पे पैर रखो। ये बहुत बढ़िया एग्जाम है इस समय उत्तर प्रदेश पीसीएस। अब रात में क्या हो रहा होगा, जब पृथ्वी जल्दी ठंडी हो जाएगी तो यहाँ हाई प्रेशर, और पानी देर से गर्म हो रहा होगा तो लो प्रेशर। अब प्रकृति का नियम क्या कहता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यानी कि स्थल से जल की तरफ, समुद्र की तरफ हवा चलेंगी। यानी कि अगर आपने समुद्र की तरफ फेस कर रखा है रात को ना, तो ऐसा लगेगा पीछे से कोई आपको धक्का मार रहा है। ठीक है, आपने हॉरर मूवी में देखा भी होगा, उसके कपड़े पीछे से आगे की तरफ जा रहे होंगे और दिन में ऐसे जा रहे होंगे। अगर आप समुद्र में गए हो आसपास तो आपने फील करा होगा, नहीं करा होगा तो अब फील करो। तो यानी कि ये कहां से चली है, लैंड से चली है, जहां से चलती है वहीं से नामकरण होता है। तो मैं इसको लैंड ब्रिज लिख दूंगा तो कोई आफत आ जाएगी, बताओ कितना सरल है। अब इसमें 10 तरह के क्वेश्चन पूछ ले, 10 क्या 100 तरह के क्वेश्चन पूछ ले, हम 100 के 100 का आंसर दे सकते हैं। दे सकते नहीं देते, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। अब मैं कमेंट ओपन कर रहा हूं, बताओ किसको समझ में आया, किसको समझ में नहीं आया। इसी को अगर हम रट्टाफिकेशन करते कि दिन में ये चलती है रात में चलती है, बिलीव मी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता तो हमें पता नहीं चलता कि हम किस पे टिक लगाए। ठीक है, बस इतना ही अंतर है, इतना ही अंतर है लेखपाल की तैयारी करने में और यूपी पीसीएस की तैयारी करने में। आर्या बहुत दिनों बाद क्लास में दिख रहे हो, पेपर दिया था, पेपर दिया था आर्या, नहीं दिया था? अच्छा, आप एलिजिबल अभी नहीं हुए हो एग्जाम के लिए। ढंग से पढ़ना, ठीक है, जब भी एलिजिबल हो, और सोर्सों को मिनिमाइज करना और रिवीजन को मैक्सिमाइज करना, ठीक है ना। 24 तारीख का पेपर आपने देख लिया होगा, ठीक है, और 24 तारीख के पेपर के बाद 26 तारीख की क्लास भी देख ली होगी, ठीक है, और उसके बाद आपको ये भी पता चल गया होगा कि आपको किस तरह की स्ट्रेटेजी रखनी है। केवल मेरे से पढ़ना काफी नहीं है, वो चीज याद भी होनी चाहिए और रोज का काम रोज भी होना चाहिए। लिख लिख के याद करो, कॉपियां भर दो रफ कॉपी, इतना लिख लिख के याद करो, अभी कोई प्रेशर नहीं है। लास्ट में तो सब हीरो बनते हैं, जीतेगा वही जो शुरू के महीने में ज्यादा मेहनत कर लेगा और लास्ट के महीने में एंजॉय करेगा, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को हमारी क्लास के क्या है, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, ठीक है ना, क्लियर। अब हम समझते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं वैली ब्रिज और माउंटेन ब्रिज। ये क्या लफड़ा होता है? अरे भैया, आपने पहाड़ देखे होंगे, इस तरीके से होते हैं, डायग्राम तो खूब बनाते होंगे बचपन में। तो ये क्या है, पहाड़ की हिल चोटी, ये क्या है आपका घाटी, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो दिस इज द माउंटेनियस एरिया, और ये वाला एरिया क्या है, वैली है कि नहीं है, ठीक है, जिसको आप दून बोलते हो, ठीक है। कोई पहाड़ ऐसा थोड़ी होता है खाली ऐसा ही हो, अरे बीच में यहाँ होगा, यहाँ पे भी लोग रहेंगे, यहाँ पे भी लोग रहेंगे, यहाँ पे भी रहेंगे लोग। पहाड़ के इलाकों में कहीं घूमने गए हो ना, ठीक है, तो इस तरीके से व्यवस्था होती है, ठीक। तो इस तरीके से व्यवस्था होती है तो हम ये देखेंगे कि जो यहाँ पे क्या फिनोमिना हो रहा है और घाटी पे क्या फिनोमिना हो रहा है, और इसमें भी सेम हमारा नियम कानून लगेगा, ठीक है। तो समझते हैं क्या, एक बार दिन में एक बार रात में। सबसे पहले हम सोच लेते हैं दिन में, ठीक है, ये आपका माउंटेन है और ये आपकी वैली है, सबको दिख रही है वैली। दिन के टाइम पे क्या हुआ होगा, सूरज भगवान आए होंगे
और सूरज भगवान गर्म कर रहे होंगे, ठीक है, क्लियर। तो मुझे बताओ कि हो सकता है कि यहाँ पे भी तो एक माउंटेन हो सकता है यहाँ पे भी तो एक माउंटेन हो, ठीक है, लेकिन एक चीज बहुत कॉमन होगी, माउंटेन एक हो चाहे हजार हो चाहे माउंटेन की पूरी श्रृंखला हो, अमूमन माउंटेन के चोटी ओटी वाले पार्ट में तो सूरज भगवान की महिमा बराबर ही आ रही होगी। हो सकता है कि इसकी परछाई के कारण इस वैली में क्या हो जाए, शैडो हो जाए, ठीक है, क्या पता कुछ वैली में भी जो है आपकी क्या है लाइट पेनिट्रेट कर जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन अमूमन ज्यादा हीट कौन रिसीव करेगा माउंटेन की चोटी वैली की तुलना में, क्या आप ये इमेजिन कर पा रहे हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वैली के अंदर गुप्त अंधेरा होगा, अरे वैली के अंदर भी सूर्य का डिफ्यूज प्रकाश भी मिल गया तो भी कई हजार वाटों के बल्ब से भी ज्यादा सूर्य भगवान रोशनी कर सकती है, वो सूरज है, समझ में आया, उसको दिया दिखाने की कोशिश मत करो, यानी कि मेरी बातों को समझो कि सन रेज की इंटेंसिटी किसको ज्यादा गर्म करेंगी, लॉजिक देखो तो माउंटेन की पीक को करेंगी वैली की तुलना में, यहाँ पे आएंगी भी तो आधी तिरछी आ गई कि नहीं आ गई। तो हमारे पास दो पॉइंट मिल रहे हैं, एक पॉइंट तो ज्यादा एनर्जी रिसीव कर रहा है सन की, तो ये पत्थर है से असर लो, और जब ये ज्यादा एनर्जी कर रहा है तो ये जल्दी गर्म हो जाएगा, वैली का हिस्सा जल्दी गर्म नहीं हो रहा है क्योंकि तिरछी मिर्ची किरणें पड़ रही है, तो जो जल्दी गर्म हो रहा होगा तो वहां पे लो प्रेशर बन गया होगा, रिलेटिवली यहाँ पे हाई प्रेशर बना होगा। फिजिक्स क्या कहती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यानी वैली की ठंडी ठंडी हवाएं ऊपर पहुंच रही होंगी, यानी कि तुम्हें दोपहर के टाइम पे भी माउंटेन की पीक पे आनंद आ रहा होगा, क्यों, जितना सूरज भगवान ऊपर से महिमा बरसाएंगे उतनी ही नीचे से ठंडी ठंडी हवाएं आपको क्या कर रही होंगी, एक प्लीजेंट क्या इन्वायरमेंट का एहसास करा रही होंगी, आपने फील किया होगा सूरज भी चल रहा है, ठीक है, और उसके बाद भी नीचे से कोहरे की ठंडी ठंडी वाइट वाइट हवाएं जो है आपको क्या कर रही है, खुश कर रही है, तभी तो लोग माउंटेन वाले इलाके में जाते हैं। और यही अगर मैं यहाँ पे कर दूं तो मैं 12 बजे दोपहर में खड़ा कर दूं उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, क्या होगा तुम्हारा काम, ग्लूकोज की बोतलें चढ़ रही होंगी, समझ में आया, सारा पानी गायब हो जाएगा शरीर का, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, यहाँ देखो, यानी कि माउंटेन में जो हिल टॉप पे है या हिल टॉप पे जो घर बने होंगे, घर तो ये बने होंगे आपको जैसे पैना दिख रहा है, एक्चुअली में ये पहने में भी इतनी जगह होती कि आराम से यहाँ पे घर बन जाए, ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि इस तरीके से व्यवस्था होती है ना, सीढ़ीदार टाइप की, ठीक है ना, तो जिनके घर ऊपर टॉप पे हैं वो आनंद में रहेंगे, दिन के टाइम पे भी गर्मी सड़ी वाली महसूस नहीं करेंगे इस कारण, ठीक है। तो ये जो चल रही है कहां से चल रही है, वैली से चल रही है कि नहीं चल रही है, ठीक है, और वैली की ठंडी हवा है कि नहीं, क्योंकि सूरज की किरणें नहीं पहुंच पाई तो रिलेटिवली ठंडी हवा है कि नहीं है, तो कूल वैली की विंड आपको क्या कर रही है, इंजॉय दिला रही है, लेकिन नामकरण की बात आएगी तो जहां से शुरू होती है वहीं से शुरू करेंगे, तो यानी हम इसको क्या बोलेंगे, वैली ब्रिज बोलेंगे, से या सुन लो, कितना सरल कॉन्सेप्ट है वैली ब्रिज का, सोचो, है कि नहीं, ठीक है। सर प्लीज रिटर्न पीडीएफ इंग्लिश में कर दिया करें, सर प्लीज रिटर्न पीडीएफ इंग्लिश में कर दिया करें, ये जो है उर्दू लिखी हुई है, क्यों बच्चों, ये उर्दू लिखी हुई है, प्रिया जी गलत टीचर की क्लास में आप, ठीक है ना, ठीक, मैं पूरी ईमानदारी से बाइलिंगुअल शब्द यूज कर रहा हूं हिंदी और इंग्लिश के भी, ठीक है ना, क्लियर प्रिया जी, यहाँ पे 50 के आसपास टीचर हैं, अगर आपको मेरी क्लास समझ में नहीं आ रही ज्योग्राफी की तो आप और भी टीचरों का चुनाव कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, ठीक है, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं अपनी कमी आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है प्रिया जी, ठीक, यही तो फायदा ऑनलाइन टीचिंग का कि अगर आपको जो है एक से समझ में नहीं आया तो आप दूसरे के पास जा सकते हैं, ठीक है, सर मुझे आपसे ही पढ़ना है, तो अगर आपको मेरे से पढ़ना है तो फिर मेरी स्टाइल से पढ़ना होगा, ना कि मैं आपके कारण अपनी स्टाइल को क्या करूं छोड़ो, ठीक है ना, क्लियर।
अगर आप मेरा अच्छी तरह समझ में आता है तो मैंने ये बहुत पहले ही क्लियर कर दिया है कि मैं किस अनुसार पढ़ाऊंगा। समझ में आया? ठीक है, क्लियर। अब तुम खुद सोचो कि तुम्हें उस मास्टर का इतना अच्छा समझ में आता है तो क्या तुम उस मास्टर को चेंज करने की कोशिश करोगी या उस मास्टर के संग अपनी फ्रीक्वेंसी बैठाने की कोशिश करोगी? एक बार दिमाग से सोचना, ठीक है ना। सब कुछ मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, ये लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर, ये बैली ब्रिज। मुझे हिंदी में नहीं पता इस बैली ब्रिज को क्या कहते हैं, लेकिन हिंदी माध्यम वाले भी पूरा साथ दे रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ठीक है ना मैडम, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम आपके अंदर है। ठीक है, क्लियर। कोई भैया इंग्लिश मीडियम वाला, उसे प्रॉब्लम होती है? ये आप अनूठी हो कि इंग्लिश मीडियम वाला मेरी क्लास में टोक रहा है। हिंदी मीडियम वाला टोके तो बाद भी है, इंग्लिश मीडियम वाला टोकने की हिम्मत नहीं करता है। ठीक है ना, मैं उस चीज पे बहस नहीं करना चाहता। फिर आप उसको अदर करोगी, फिर कंप्लेन करोगी, तो उस लेवल तक मेरे को मत लेके जाओ। ठीक है ना, यहाँ पे इस भारत के सबसे टॉप कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे पढ़ के गए मेरे से, ठीक है ना। उनको भी कभी दिक्कत नहीं हुई मेरी इंग्लिश की क्लास में। ठीक है, सिलेक्शन लेने पे ध्यान रखो, और जब तुम्हारा सिलेक्शन लेने पे ध्यान होगा तो तुम खुद से भी वहां पे क्या कर सकती हो, उन गैपों को भर सकती हो। और तुम्हारा सिलेक्शन लेने पे ध्यान नहीं है, केवल नोट्स को क्या करने के लिए बनाने में ध्यान है, तो नोट्स बनाने से सिलेक्शन नहीं होगा, समझने से सिलेक्शन होगा। सारी किताबों में बने बनाए नोट्स हैं प्रिंटेड, ठीक है ना। कृपया करके आप हमारी क्लास से दूर चले जाइए, बहस करके मेरे को अपने अंदर से निगेटिविटी नहीं निकालनी है। आप आराम से पढ़िए, और मैंने कोई आपको विवश नहीं करा है कि मेरी क्लास में आइए, या मैंने कोई वादा किया हो तो मुझे उसका स्क्रीनशॉट दिखाइए। ठीक है ना, आप जिसके कहने पे आई हो सेल्स पर्सन के, उसका सर फोड़ो कि भैया तूने हमें उस क्लास में क्यों भेजा। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, कमेंट ऑफ करना ही सही था। परेशान हो जाता हूं मैं, और इन्हीं हरकतों के कारण ना मेरा पढ़ाने का ही मन नहीं करता। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाऊंगा नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा। मेरे पास इतना टैलेंट है, मैं कुछ इससे भी और अच्छा कर लूंगा। लेकिन मैं देखता हूँ यहाँ पे बच्चा क्या है ना, बच्चा सोचता है कि मतलब टीचर की पूरी जान ले ले। समझ में आया? वो ये नहीं समझ रहा कि हमें अपना सिलेक्शन लेना है। वो ये नहीं समझ रहा, मैं उस टीचर से बात कर रहा हूँ जो एकमात्र एक विरल टीचर है जिसने ही सिलेक्शन दिया है, तो कम से कम उसके साथ फ्रीक्वेंसी मैच करो भाई। क्या यूपीएससी कैटेगरी में कोई किसी बच्चे के अंदर तो दम होगा कि मुंडाल सर को टोके? और मेरे ख्याल से उनसे ज्यादा हिंदी तो कोई बोलता ही नहीं है। हिंदी वाले भी चुप बैठ रहते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी चुप बैठ रहते हैं। बैठे रहते नहीं बैठे रहते? ठीक है ना, बैठे रहते नहीं बैठे रहते? क्लियर। तो अगर वो यूपी पीसीएस यूपीएससी के वो है, तो उत्तर प्रदेश पीसीएस का कौन है? मैं कहना नहीं चाहता, आप सिलेक्शन की रेशियो से देख लो, यहाँ का वो मैं हूँ। और मेरे से बच्चे ऐसे बात करते हैं जैसे कि मतलब मैं एकदम थर्ड कैटेगरी का कोई टीचर हूँ। जे कर दो वो कर दो, जे कर दो वो कर दो, हद होती। समझ में नहीं आता क्या है क्या नहीं है, थोड़ा समझने की कोशिश करो। अपने जिले के अंदर भी ऐसी गर्दन घुमा लोगे ना, तो अगर तुम्हारे जिले में 5 तहसील होंगी तो एक तहसील में मेरा स्टूडेंट बच्चा वहां पे है। समझ में आया? और उससे पूछो कि वो कैसे वहां पहुंचा है। किसी ने भी माध्यम का लोचा नहीं रखा मेरी क्लास में, शुद्ध हिंदी माध्यम वालों ने भी, शुद्ध इंग्लिश माध्यम वालों ने। पढ़ने वाला आराम से पढ़ता है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ना, मुंडाल सर को आप किस माध्यम में तोलोगे ये बताओ। प्योर हिंदी बोल रहे हैं वो, और समझाते समय प्योर इंग्लिश लिख रहे हैं, तोलो उसको किस माध्यम में तोलोगे? यूपीएससी का, साउथ इंडिया का भी बच्चा उनकी क्लासे देखता है। क्यों? क्योंकि वही एक ऐसा इंसान है जो यूपीएससी के कॉन्सेप्ट समझा सकता है, इकोनॉमिक्स की समझा सकता, नहीं समझाता। ठीक है, तो क्या अगर साउथ इंडियन वाले कसम खा लें कि ये हिंदी में ना बोलें तो क्या उनका काम चल जाएगा? तो जो जिसको सिलेक्शन लेना होता है ना, वो सब जुगाड़ कर लेता है। वो कहता है बस हमें एक इंसान मिल जाए जो कॉन्सेप्ट समझा दे, बाकी तो हम स्टूडेंट है ना, पेपर हमें देना जाना है, हम अपने आप कर लेंगे एडजस्ट।
यहाँ पे कोई एडजस्ट करने का सोचता ही नहीं है, और उस कारण क्या हो जाता है, मेरी क्लास से दूर हो जाता है। ठीक है, और मेरी क्लास से दूर हो जाता है तो फिर क्या है, ठीक है, दिक्कत है। क्योंकि अगर तुम्हें यूपी पीसीएस में सिलेक्शन चाहिए और अनअकैडमी से ही सिलेक्शन चाहिए तो मेरी क्लास से कम बैर मत करो। ठीक है, या आपको लग रहा होगा बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं, अहंकार वाली बात कर रहे हैं, मेरे को दुख होता है ऐसी बात करने में, लेकिन सत्यता यही है, क्या करें। ठीक है ना, तो अगर आप यूपी पीसीएस में सिलेक्शन ले रहे हो तो कम से कम मेरी क्लासों से बैर मत करो। बैर करने वाले अच्छे से अच्छे हमने देख लिए, सबकी हालत खराब है। ठीक है, तो ये दिन के टाइम पे क्या हुआ है, चोटियां जल्दी गर्म हो गई होंगी तो ये लो प्रेशर क्रिएट हो गया होगा और नीचे हाई प्रेशर क्रिएट हो गया होगा, और फिजिक्स कहती है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर यानी कि नीचे से विंड ऊपर की तरफ चली होंगी, जहां से चलती हैं वहीं से नामकरण होता है, तो नीचे वैली से चली हैं तो हम इसको वैली ब्रिज कहेंगे। सबको समझ में आ गया? ठीक है, अब रात को क्या होता होगा तो पहुंचते हैं हम दूसरी स्लाइड में। हमने पहाड़ बनाए, ठीक है, क्लियर। अब रात के समय सूरज तो चले गए हैं, चांद आ गए हैं, मून, उनसे क्या करना, उनको तो लाइट देना है। लेकिन मुझे बताओ, पत्थर अगर जल्दी गर्म हुआ था तो पत्थर जल्दी ठंडा भी हुआ होगा, श्रेयस और नो, क्लियर। ठीक है, वैली की तुलना में तो ये है माउंटेन और ये है आपकी क्या, वैली है कि नहीं है। ठीक है, ये माउंटेन और वैली, ये जल्दी गर्म तो रात के टाइम पे ये हो रही है रात यानी कि नाइट। ठीक है, तो ये जल्दी ठंडी हो गई होगी, से यस और नो, और जल्दी ठंडी हो गई होगी तो यहाँ पे अब क्या बन गया होगा, हाई प्रेशर रिलेटिवली, और ये देर से ठंडी हो रहेगी तो हमें रिलेटिवली देखना है, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर नीचे, तो अब क्या चलेंगी, ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगी। फिजिक्स कहती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड चलती है, यानी कि जब जाड़ा, सॉरी, जब रात के टाइम पे ठिठुरती हुई ठंड पड़ रही होगी तो वो ठंड ऊपर रह ही नहीं रही है, वो नीचे पहुंच जा रही है, यानी फिर से विजेता कौन बना, जिसका घर टॉप पे है। यानी वैली वाले दिन में भी परेशान थे और रात में भी क्या होंगे, परेशान होंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? सोचो, अगर मान लो वैली पे कोई एग्रीकल्चर करता होगा तो मेरे ख्याल से रात को तो उसकी फसल की पूरी बर्बादी हो जाएगी, कितनी बड़ी बड़ी ठंडी हवाएं उसके ऊपर पौधों पे पड़ेंगी, तो वही जो है फसल सरवाइव कर पाएगी जो क्या हो, वहां पे क्लाइमेट रिसिलेंट हो गई हो, यानी वहां के लिए उसने अडॉप्टेशन कर दिया हो, यानी कि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन आएगा तो सही, उतना अच्छा नहीं आएगा, उससे अच्छा प्रोडक्शन तो यहाँ पे जो सीढ़ी नुमा खेत बने होंगे वहां पे आ जाएगा। क्यों, दिन के टाइम पे भी इनको मजा था, रात के टाइम पे भी मजा था। तो चाहे फसल की बात करें चाहे इंसान की बात करें, दोनों ही दिक्कत में रहते हैं वैली वाले। और अमूमन यूपीएससी में तो ये फेवरेट क्वेश्चन बन गया था, कोई पहाड़ी राज्य से अगर कोई इंटरव्यू में पहुंचा है, हम भी जब अपने जमाने पहुंचे थे तो हमसे भी यही क्वेश्चन पूछा गया था कि आप माउंटेन ब्रिज और जो है वैली ब्रिज को समझाइए, या ये बताइए कि कहते हैं कहाँ पे घर बनाना अच्छा होगा। तो सभी का आंसर क्या होता है, टॉप चोटी पे बनाना अच्छा होगा। क्यों, ये दो कारण उनको बताने पड़ते हैं। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ रहे होंगे। अब ये विंड कहां से चली है, माउंटेन से चली है तो वहीं से नामकरण होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, माउंटेन ब्रिज बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, शुद्ध इंग्लिश मीडियम चल रहा है चलने को, ठीक है ना, तो इसको हम माउंटेन ब्रिज बोलेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई, क्लियर। ठीक है, अब इसमें दो चीज याद रखो, इसमें एक फंडा है इन विंड का नामकरण का, एक चीज होती है कैटाबैटिक और एक चीज होती है एडियाबैटिक, ठीक है, क्लियर। अब ये चीज क्या होती है उसको हम समझेंगे जब हम लैप्स रेट पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल, और मैं ही इन्वायरमेंटल लैप्स रेट पढ़ाऊंगा आपको, उत्तर प्रदेश में लैप्स रेट कोई पढ़ाता नहीं है, ठीक है, सोचते कि यूपीएससी का, लेकिन मैं आपको पूरी ईमानदारी से पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी आप ये सोचो कि आप कैसे पहचानोगे कि इनमें से कौन सी कैटाबैटिक है और कौन सी एनाबैटिक है,
ठीक है। तो पहचानने का तरीका मैं बता दूं आप लोगों को, कैटा को अगर हम पढ़ते हैं तो कैट जैसी फीलिंग आ रही है, ठीक है। और बिल्ली कब आती है, रात में आती है सबसे ज्यादा, क्योंकि वो रात्रिचर है। दिन के टाइम पे तो ठीक है, इधर उधर घूमती मिल गई ठीक है, नहीं तो वो आराम ही करना चाहती है। बिल्ली का मेन रात में ही होता है, उसकी आंखें चमकती है। तो रात को कौन सी वाली चल रही थी, देखो, क्या वैली ब्रिज रात में चल रही थी, ना। क्या माउंटेन ब्रिज रात में चल रही थी, हाँ। यानी माउंटेन ब्रिज का ही दूसरा नाम क्या होगा, कैटाबैटिक विंडो होगा, ठीक है। और इसका उल्टा किसको दे दो, इधर दे दो, यानी वैली ब्रिज का ही नाम क्या होगा, क्या होगा, एनाबैटिक विंड होगा। तो कैटाबैटिक और एनाबैटिक समझ लोगे। अब मान लो उसने लैंड जो है वैली ब्रिज या माउंटेन ब्रिज नहीं पूछी, सीधे कैटाबैटिक बोल दी, तो यानी वो माउंटेन वाली ही बात कर रहा है, सेम फिनोमिना। क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस हो रही है यहाँ पे, और ये प्रोसेस हम कहाँ सीखेंगे बच्चों, लैप्स रेट पर पहुंच समझेंगे। समझाने को मैं अभी भी समझा दूं, लेकिन अभी समझाऊंगा तो सबका दिमाग चले जाएगा किस पे, एडियाबैटिक कंप्रेशन पे और एडियाबैटिक एक्सपेंशन पे, और लेक्चर घूम जाएगा कहीं और हम नहीं चाहते कि लेक्चर वहां पे घूमे, ठीक है ना। तो जैसा मैं कहने की सोच रहा हूँ वैसा ही आप भी सोचो कि हाँ, अगर ये अभी नहीं बता रहे हैं तो कुछ ना कुछ कारण है। कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा किसी को, किसी भी सब्जेक्ट को इतना टफ मत बनाओ कि बच्चा उसे घृणा करने लग जाए। जब तक सातों के सातों सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, तब तक प्रीलिम्स की कट ऑफ क्लियर नहीं होगी। और मैंने सारे सातों के सातों सब्जेक्ट की जिम्मेदारी ले रखी है, तो मेरा कर्तव्य है कि बच्चों को धीरे धीरे चलना सिखाया जाए। फिर आपको दौड़ाऊंगा भी, फिर आपको स्टंट भी करवाऊंगा, लेकिन इन तीन स्टेजों में बच्चा कहीं ना कहीं मक्कारी का शिकार करता है और अपने आप चलना चाहता है, तो ऐसे बच्चों को तो भैया मैं नहीं कर सकता। मैंने बहुत बार अपनी क्लास में कहा है कि मैं जीरो को हीरो बना सकता हूँ, लेकिन जो क्या है हीरो बन रहे हैं पहले, उनको मैं हीरो नहीं बना सकता। तो मुझे वो बच्चा चाहिए जिसको आता भी हो तो चुपचाप बैठा रहे, ठीक है। मैं एक उस बच्चे को भी बना सकता हूँ जिसके हाई स्कूल इंटर में बहुत ही पथेटिक मार्क्स हो, ठीक है, ग्रेजुएशन में बहुत ही पथेटिक मार्क्स हो, वो भी सिलेक्शन ले जा सकता है। लेकिन जो अपने आप को बहुत हाई फाई समझता है, तो भैया उसको मैं नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। मैं क्या कोई नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि हर जगह उसे लगेगा ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है, ठीक है। तो मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट ऑन कर रहा हूँ। क्या आपको इन चार में से कोई भी ऐसी चीजें समझ में नहीं आई? चार का मतलब क्या हो गया, लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, माउंटेन ब्रिज एंड वैली ब्रिज, चारों समझ में आ गई? कहीं कोई रट्टा फिकेशन तो नहीं कराया आपने? तो अगर अब समझ गए हो तो फिर पेपर के टाइम तक भी रिवीजन प्रॉपर होना चाहिए, क्लियर, ठीक है। तो हम अगर पीछे आए तो हमने क्या पढ़ा अभी, हमने ये वाला पूरा कंपार्टमेंट खत्म कर दिया। मानसून वाला कंपार्टमेंट अभी हमने जानबूझे खत्म नहीं किया, इसे समय आने पर खत्म करूंगा, ठीक है ना, क्लियर बच्चों। अब हम आ जाते हैं ये वाले खोपचे पे, जिसे लोकल विंड या टर्सरी विंड कहते हैं, कहते नहीं कहते, ठीक है। तो उससे पहले थोड़ा ये देख लेते हैं कि कौन कौन से अनएकेडमी के नए कोर्स आए हैं। तो सारे बच्चे GS4 की तैयारी अभी से करें, ठीक है, भले ही किसी भी साल आपको पेपर देना है। और इस GS4 की क्लास में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ये सोचें कि हमने तो अभी कुछ पढ़ाई नहीं है, क्या हमें समझ में आएगा कि नहीं आएगा। समझाने वाले टीचर दिग्गज टीचर है, सब समझ में आएगा, ठीक है। और 3:30 बजे हमारी क्लास के सारे बच्चे जाएंगे वहां पे और मनोज सर से सीखेंगे, सबको क्लियर है, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। जिस स्टाइल से ये पढ़ाने की बात कर रहे हैं, जो स्टडी ये बता रहे हैं, उन्हीं की स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे, सबको क्लियर है। आज मेरे ख्याल से दूसरी क्लास हुई थी, आप आनंद ले रहे हो, ठीक है ना, बिल्कुल। ये कोर्स पेपर 4 इन्हीं के खाते में जा रहा है, ठीक। आगे देखते हैं, बैच कोर्स क्या होते हैं, जहां बहुत सारे टीचर मिलके पढ़ाते हैं। हमने फरवरी से ऑप्शन चालू कर दिए थे, पबेट चल रहा है, हिस्ट्री चल रहा है, हिंदी चल रहा है, हिस्ट्री चलता है, फिलोसफी चल रहा है, सोशोलॉजी चल रहा है, ज्योग्राफी चल रहा है। तो इनसे रिलेटेड जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, संबंधित टीचर के पास जाए और पढ़े, ये सब आपको प्लस में मिलेगा, स्पेशल क्लास में कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। मनोज सर ने आपको थैंक्स बोला था आज, सर मेरा भी उनको नमस्कार बोल देना,
कहना कि गुरुदेव, मैं तो गुरुदेव बोलूंगा उनको कि आपका शिष्य आपको याद कर रहे थे, ठीक है। चलो शिष्य ही है हमारे, वैसे हमने कभी उनसे पढ़ा नहीं है, लेकिन क्या है, हम उनके सामने बच्चे ही है, ठीक है। चलो अब है उन्नत नाम का बैच, ये है आरओ का, क्योंकि रिवीजन बैच, ठीक है, ये चल रहा है। आप जो है, अगर आरओ वाले हैं तो यहाँ पे क्या करें, आप अपना योगदान दें। ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों का बैच चल रहा है, और इसमें भी मैं यहाँ पे बैठा हूँ। दुर्भाग्यपूर्ण इंग्लिश मीडियम वाला भी बच्चा आ जाए, ऐसे बोल रहा है कि आप इंग्लिश में लिखो सारा, तो बहुत ही क्या है, अजब अजब गतियां है जमाने में, ठीक। चलो अब आ जाते हैं अपनी लोकल विंड पे, टर्सरी पे, टर्सरी विंड्स पे, और क्या कहते हैं, सूर्यवंशी सर की प्रोफाइल पे कीप वॉच रखो कि उनका कोई कोर्स तो नहीं आ रहा है, समझ में आया। अगर आ रहा होगा तो तुरंत वहां पे भी हमें खत्म करना है, मेंस का अगर कोई भी आ रहा है तो। सो उनका जो क्या कहते हैं, हिस्ट्री ऑप्शन चालू हो गया, ये काम तो खुद कर सकते हो कि मैं सबकी प्रोफाइल में जाकू, चालू है उनका हिस्ट्री ऑप्शनल, चालू है ना। तो जिन जिन्होंने हिस्ट्री पक्का कर लिया है, सर के पास जाए, ठीक है ना, क्लियर। सर नहीं सुनने हो तो खाली एक कमेंट लिख दो, मुकेश सर ने भेजा है, बस। उसके बाद वो अपना भी आपको क्या कर लेंगे, खींच लेंगे, ठीक है। और समय समय पे उन्हीं के अनुसार, उन्हीं की स्ट्रेटेजी से अपना हिस्ट्री ऑप्शन खत्म करें, ठीक है। और उनकी प्रोफाइल पे कीप वॉच रखें कि कहीं वो पेपर वन तो रिलीज नहीं कर रहे, और जैसे ही पेपर वन रिलीज करे चुपचाप से पेपर वन पढ़ लेना है, सबको समझ में आ रहा है, ठीक। तो मेंस की तैयारी एकदम तगड़ी तरीके से रखनी है। अब इसमें नहीं कि मैं हर बार आपको याद दिलाऊं कि आपको ऐसा करना है, कि आप बोले सर मेरे को करना है कि नहीं करना, तेरा मेरा मुझे कुछ नहीं सुनाई देता, मुझे सुनाई दे रहा है कि आप सभी को करना है बस, ठीक है। अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है, अगर हिस्ट्री ऑप्शन नहीं है तो पेपर वन तो सभी को देना है, तो पेपर वन तो सबको करना ही उनसे, ठीक। तो कम से कम मेरे पे बोझ कम आए, और जितना मेरे पे कम बोझ आएगा उतना अच्छा मेरा प्रदर्शन रहेगा। डरो मत, ये मत सोचना कि सर आप जो है ऐसा क्यों कह रहे हो, हम तो आपसे ही पढ़ेंगे। अरे मैं कुछ कारणवश कह रहा हूं ना, पढ़ाऊंगा मैं भी, ठीक है, लेकिन तब क्या होगा, सोने पे सुहागा होगा, मजा आ जाएगा एकदम, ठीक है ना, क्लियर। और रैंक लगेगी, भागती हुई रैंक लगेगी। अभी एक जने है, फिर तीन तीन जने आपके पीछे लगेंगे, ठीक है ना। टुगेदर वी विल विन, एक और एक कितने होते हैं, 11 होते हैं, ठीक है। चलो टर्सरी विंड और लोकल विंड को समझने की कोशिश करते हैं। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये लोकल विंड बनती कैसे है, क्या कारण है। तो जितनी भी ये टर्सरी या लोकल विंड है, ये हमेशा किसी भी एरिया के, मान लो ये ए नाम का एरिया है, और इस ए एरिया में आपका कुछ ना कुछ टेम्परेचर, ठीक है, या कुछ ना कुछ वहां पे प्रेशर में फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो उस फ्लक्चुएशन के कारण क्या है, ये क्या होती है, विंड बनती है। तो सबसे बड़े कारण कौन हो गए, टेम्परेचर एंड प्रेशर का फ्लक्चुएशन होना, कहीं पे भी लोकल विंड को जनरेट करवाना, ठीक है। इन विंड को लोकल विंड ही क्यों कहते हैं, लोकल का मतलब क्या होता है, प्रधानमंत्री साहब ने जो है वाक्य दिया, लोकल फॉर क्या, वोकल फॉर लोकल, यही दिया ना, ठीक है। यानी आप बात करो लोकल की, यानी लोकल शब्द क्या है, किसी एक ही एरिया में फंसा पड़ा है उसको ग्लोबल करो, ठीक है। यानी कि लोकल विंड एक किसी एरिया में है और ये वहीं पे कन्फाइंड है, इसलिए हम इसको लोकल विंड कह रहे हैं। इनका एक्सटेंड वास्ट एक्सटेंड नहीं है, किसी एक लोकेलिटी में है, इसलिए इनका नाम लोकल विंड पड़ा। रटने देने हैं, समझ रहे हैं, ऐसे भी ऑब्जेक्टिव बने हैं यूपीएससी में, जैसे कि मानसून को मानसून क्यों कहते थे, अच्छे अच्छे लोग निपट गए थे उस बार, उसका आंसर क्या आया था, रिवर्सिबल ऑफ द विंड। ऐसी लोकल विंड को लोकल विंड क्यों कहेंगे, क्योंकि दीज आर कन्फाइंड टू ए लोकल प्लेस ओनली, उसी एरिया में होंगी, ठीक।
सच विंड आर लोकल इन एक्सटेंट एंड आर 7 बजे भी क्लास लेनी है, गले की वॉट लगी पड़ी है, कन्फाइंड टू दी लोएस्ट लेवल ऑफ ट्रोपोस्फेयर। अब आप बोलोगे कि सर ये क्या हो रहा है, ट्रोपोस्फेयर क्या फंडा है, और अभी भी स्पेशल क्लास कोई ज्यादा बच्चे नहीं देख रहे। दुर्भाग्य यही है कि इतना अच्छा प्रीलिम्स में पेनिट्रेशन देने के बाद भी बच्चों का नहीं आना, और यही अगर एमसीक्यू की क्लास लगी होती तो हम पूरी भीड़ लगी होती, तो सोचो कितनी तगड़े लेवल की अंधभक्ति चल रही है, एक्सट्रीम लेवल की अंधभक्ति चल रही है। मैं अपने बच्चों को मनोज सर की क्लास में भेज रहा हूँ, वो खुश हो रहे होंगे कि यार अब मुझे लग रहा है कि बच्चे आए, आपने महसूस किया होगा, ठीक है ना। नहीं तो पिछले 6 महीने से हम लोग कुछ महसूस ही नहीं कर पा रहे कि हमें लग ही नहीं रहा कि यहाँ पे यूपीपीसीएस का बच्चा है भी कि नहीं है। लोएस्ट लेवल ऑफ ट्रोपोस्फेयर का मतलब क्या होता है, ये हमारी अर्थ है। अर्थ के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट लेयर है। पहली लेयर है ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर होती है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर मीजोस्फेयर, और ऐसे करते करते बहुत सारी लेयर होती है। यानी पृथ्वी की सतह पे जस्ट ऊपर जो लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर, और अगर लिखा रखा है कि ये कन्फाइंड है लोअर लेवल ऑफ ट्रोपोस्फेयर, यानी ये पृथ्वी पे चिपकी हुई है, जैसे कि आपकी लू। आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि लू हमारे ही गालों पे चपेटे क्यों मार रही है, लू को थोड़ा ऊपर बहती तो हम तो बच जाते, सोचो। नहीं, क्योंकि क्या है वो ट्रोपोस्फेयर पे क्या है कि लोअर लेवल पे है वो। अगर ये अपर लेवल पे होती तो हो सकता था हमें महसूस ही नहीं होती, सोचो। नहीं होती भाई, हमारी पृथ्वी पे हम जो खड़े हैं वहीं पे हमें चाटे चाटे मारे जा रही, चाटे मतलब लिटरली लू जब पड़ती है ना तो लोग स्वाफी लेके घूमते हैं। आपने कभी सोचा कि क्यों ना ये ऊपर होती, यानी जितनी भी लोकल विंड है उनकी पहचान क्या है, लोएस्ट लेवल ऑफ ट्रोपोस्फेयर, और ये जिस दिन ऑब्जेक्टिव में आ गया तो उस दिन क्या हो जाएगा, शिकवा नहीं जिंदगी से, गिला नहीं जिंदगी से, गाने चलेंगे। लेकिन आपके गाने तब चलेंगे जब आप इसको अपनी कॉपी में नोट नहीं करोगे और बार बार रिवाइज नहीं करोगे, नहीं तो यही स्टेटमेंट पेपर में आ जाएगा तो आप सोचोगे यार ये होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, तो पता चला पढ़ाया था उसके बाद भी नहीं कर पाए। क्या यह पॉइंट सबको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा होगा तो कमेंट ओपन होगा तब पूछ लेना। यानी बच्चों अब उंगली ऊपर करो अपनी और दो उंगलियों को पकड़ो। पहला नियम क्या हुआ, दे आर लोकल इन एक्सटेंट और दे आर कन्फाइंड टू द लोएस्ट लेवल ऑफ ट्रोपोस्फेयर, पूरा इंग्लिश में बोला है, बोला कि नहीं बोला। ये खासियत होती है लोकल विंड की, चाहे उसका नेचर कुछ और ही हो, जैसे कि कुछ हम विंड पड़ेंगे जो ठंडी है लेकिन फिर भी वो लोकल है, ठीक है, तो ठंडी गर्म से नहीं है वो, तो लू का एग्जाम्पल फिक्स हो गया गर्म वाला, लेकिन चाहे वो ठंडी वाली हो चाहे गर्म वाली हो, एकदम चिपक के चल रही है पृथ्वी पे, यानी कि ट्रोपोस्फेयर की लोअर लेवल पे ही चल रही है, ठीक है। जैसे कुछ कोल्ड विंड की बात करूं मैं, बोरा, मिस्ट्रल, ये भी एकदम पृथ्वी की सरफेस चलती चलती है, पूरी फसलों के ऊपर से आइस 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 कर देती है। वार्म का एग्जांपल लू तो आपने देख लिया, चिनूक, चिनूक को बोलते हैं स्नो ईटर, बर्फ को खाने वाली, तो ये भी जब नीचे चलती है तो जितनी भी बर्फ जमी होती है एग्रीकल्चर फील्ड पे सबको पिघला देती है और वहां फसल उगने लग जाती है, ठीक है। तो ये जो भी हो चाहे ठंडी हो चाहे गर्म हो चलेगी तो एकदम सतह से चिपक कर, और उसको अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलेंगे तो लोएस्ट लेवल ऑफ ट्रोपोस्फेयर बोलेंगे, ठीक है। ये कोल्ड भी हो सकती है बच्चों, ये आपकी वार्म भी हो सकती है। वर्ल्ड मैपिंग में हम इसकी लोकेशन पे दोबारा भी बात करेंगे, अभी आप खाली नाम लिख लो, पम्पेरो कोल्ड है, ग्रीगेल कोल्ड है, बोरा कोल्ड है, मिस्ट्रल कोल्ड है, वार्म में आपकी फोयम है, चिनूक है, चिनूक को स्नो ईटर बोलते हैं, बर्फ को खाने वाली, ठीक है, लू है आपकी, सिरोको है, ठीक है। तो एक बार मैपिंग करेंगे तो वहां पे हम इन सब की विथ लोकेशन आपको मैं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल डरने की बात नहीं है,
और वहां पे चलाना भी सिखाऊंगा। लेकिन अभी अगर आप मान लो ये ना भी याद कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ये तो याद कर सकते हो कि टर्सरी विंड क्या होती है, कि वो लोकल विंड होती है जो एकदम सतह पे चलती है और लोकल कन्फाइंड होती है, इतना तो याद कर सकते हो ना। चलो एग्जाम्पल भी याद मत करो, एग्जाम्पल जब वहां पे बना के दिखाऊंगा तो जल्दी याद हो जाएंगे, लेकिन अगर उतना भी याद कर लिया तो मेरा काम हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को कमेंट ऑन कर रहा हूँ, फटाफट बताओ कि यहां तक अगर किसी को दिक्कत है तो। क्यों बच्चों, ये सेम लू मैं आपको मानसून में ही पढ़ाऊंगा, सेम लू और ये सेम लोकल विंड वर्ड मैपिंग पे पढ़ाऊंगा, तो मैं तभी ना पढ़ाऊं, अभी पेपर को टफ क्यों करूं आपकी नजरों में। ठीक है ना, क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी। सर आई चूज हिस्ट्री, ठीक है, तो आप सर की क्लास में एकदम बस पहुंच जाइए। ठीक है, बता देना कि सर मुकेश सर की क्लास से आए हैं, उन्होंने रिकमेंड करा है और आप हमारी नैया पार कराओ। ठीक, अनअकैडमी पे सारे एग्जामों की तैयारी हो रही है जो उत्तर प्रदेश करा रहा है अलग अलग आयोग और बोर्ड से। मैं क्या पढ़ाता हूँ, मैं केवल और केवल अपर सबॉर्डिनेट की तैयारी कराता हूँ। अगर आपको पैट की तैयारी करनी है, लेखपाल की तैयारी करनी है, आरओ आरओ की करनी है, लोअर पीसीएस करनी है, तो इस सब के एक्सपर्ट टीचर हमारे पास है। ठीक है, क्योंकि हर एक कैटेगरी का अपना अपना एक्सपर्ट होता है, मैं इसमें एकदम जीरो हूँ लेकिन मैं क्या हूँ, इसका एक्सपर्ट हूँ। तो अगर आपको यूपी पीसीएस की तैयारी करनी है तो ही आप एमकेएस लाइव रेफरल कोड यूज करें, ये और आप मेरी ईमानदारी यहाँ पे देख सकते हो। मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता कि अगर आप बच्चे क्या हो SSSC या लेखपाल वाले और मेरे को कुछ करने के लिए मेरा रेफरल कोड यूज कर रहे हो, गलत चीज है। क्यों, क्योंकि उस संबंधित टीचर के पास आप नहीं पहुंच पाओगे जिनके पास आपको एक्चुअली में पढ़ना था। क्या ये बात समझ में आई, यानी कि मेरा रेफरल कोड आपको तभी यूज करें जब आप प्रॉपर यूपी पीसीएस की तैयारी करने वाले हो, ठीक है ना, या आप मेरे से पढ़ना चाह रहे हो। अगर आप मेरे से नहीं पढ़ना चाह रहे हो तो भी आप एमकेएस लाइव को इग्नोर करोगे। ठीक है, आप अपनी तरफ से ईमानदार हो, लेकिन ये नहीं होना चाहिए पढ़ने मेरे से आ रहे हो, सब कुछ करने मेरे से आ रहे हो और फिर कह रहे हो कि सर सॉरी हमें पता नहीं था, या सॉरी सर हमें वो फोन आ गया, हम उसको गुमराह हो गए। तो गुमराह आप अपने आप होते हो। जब आपको पता है कि रेफरल कोड में सभी के 10% डिस्काउंट मिलता है तो हमें क्या करें, मेंटरशिप भी तो लें। समझ में आ गया, 24 महीने या 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लीजिए आप, उससे कम का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो फिर मेरा रेफरल कोड यूज मत करो। क्यों, क्योंकि मैं प्रॉपर यूपी पीसीएस की तैयारी कराता हूँ तो कम से कम उतना टाइम तो चाहिए इस एग्जाम को निकालने के लिए। ठीक है, इसके बाद जो है आप यूपी बिहार का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एक साथ। ये अनअकैडमी का यूपी पीसीएस का यूट्यूब चैनल है, ये SSSC वालों का यूट्यूब चैनल है। ठीक है, तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर लें जिस जिस आप क्या कहते हैं एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और ये अनअकैडमी का टेलीग्राम चैनल है जिसमें सारे बैचों के अपडेट आते रहते हैं। सबको समझ में आ गया, क्लियर। ठीक, तो जिसको भी समझ में आती है मेरी पढ़ाई, जिसको भी मुझे मेंटर बनाना है वो एमकेएस लाइव यूज कर सकते हैं, और जिसको ये पसंद नहीं है तो वो एमकेएस लाइव इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपकी पढ़ाई क्या होनी चाहिए, पूरी अच्छी तरीके से होनी चाहिए। ठीक है ना, क्लियर। सर मेरी फ्रेंड है सुपर टेट इंग्लिश मीडियम यहाँ है, मैं समझ नहीं पा रहा इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो तो 1-2 मिनट में यहीं पे हूँ, अभी आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं स्ट्रेटेजी के बारे में, डिस्कशन के बारे में, लेकिन केवल यूपी पीसीएस की बात करें और किसी एग्जाम की बात ना करें, क्योंकि उन सब में मैं एकदम जीरो हूँ, मुझे नहीं पता उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है ना, 7 बजे हमारी 7:30 बजे हमारी क्लास है। ठीक है, तो आप क्या करें तैयारी के लिए, अच्छा तो 7:30 बजे वाली क्लास में आइए। क्या टॉपिक है 7:30 बजे वाली क्लास का, क्या टॉपिक है किसी को पता है? अरे ये तो पता होगा कि इकोनॉमी की क्लास है, किसकी क्लास है, टैक्सेशन। ठीक है, और हमारा इकोनॉमिक्स भी चालू है, हमारा ज्योग्राफी भी चालू है, और फिर वो नया बच्चा कोई ना कोई आएगा, सर 2022 का बैच कब से स्टार्ट होगा, ये भी कितनी बड़ी विडंबना है सोच लो आप। ठीक है, तो प्लीज बी अवेयर रहो। अगर तुम्हें सही में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो अनअकैडमी का ऑफिशियल टेलीग्राम ज्वाइन करो, ना कि किसी इंसान का टेलीग्राम ज्वाइन करो। ठीक है ना, अच्छी तरह से पढ़ाई करो, सिलेक्शन हो जाएगा, गुमराह मत हो इस तैयारी में।
मेहनत मेहनत मेहनत, कोई शॉर्टकट नहीं है इस तैयारी का। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू।